तो गाइस आज ही देख ही सकते हैं, आज हम बनाने हैं लूमड़ी का सब्जी। ये एक जंगली सब्जी है जो कि ज़्यादातर जंगलों में जहाँ ना पानी वगैरह ज़्यादा होता है तो वहाँ पे होती है। तो आज हम इसी को बना रहे हैं, तो देख सकते हैं मैं काट रही हूँ, तो फटाफट से बनाते हैं, साथ में आपको भी सिखाते हैं कि कैसे बनाना है। गाइस उसको बनाने के लिए ना मैंने प्याज टमाटर वगैरह सब काट के रख दिया है। तो गाइस आपके वहाँ इसे कैसे बनाया जाता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं ना इसे फटाफट बनाती हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और तेल गरम हो रहा है, तो हम जैसे बनाते हैं ना सिंपल सोवर वैसे ही बनाएंगे सिंपल तरीके से, क्योंकि कुछ लोग ना इसको उबालते हैं पहले उसके बाद ना तड़का लगा के बनाते हैं। मैं इसको उबाल नहीं रही हूँ, डायरेक्ट बना रही हूँ भुजिया जैसी। तो आप पूरा ब्लॉग देखें और कैसे बना रही हूँ आप सीखें मुझसे। तो बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी मैंने इसमें प्याज और लहसुन वगैरह डाल दिया, हम इसको अच्छे से ब्राउन होने तक करके फ्राई करेंगे। तो प्याज इसमें ब्राउन हो चुका है, हमने इसमें डाल दी है टमाटर और अब हम इसमें हल्दी मसाला वगैरह डालेंगे, थोड़ा सा इसको पका लेंगे। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं इसमें ना थोड़ा तेज होने लगी। अब मैंने इसे पहले इसमें नमक ऐड कर दिया है, तेज वगैरह सारे मसाले वगैरह ऐड कर देंगे। तो गाइस अब बारी आ गई हमारी न्यूड़ी डालने की। तो देखो मैंने धो के ना अच्छे से इसको वॉश करके तो हम इसमें न्यूड़ी डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया है, वेट करना है, इसको बन चुका है, देख सकते हैं। देखो इसे कितना टेस्टी लग रहा है ना, कुछ किस किस को खानी है रोटी ज़रूर बताएं, मैं तो चावल भी खा लूँ उसके साथ। तो चलो अब मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, उनसे पूछती हूँ कैसा लगा रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वाला ब्लॉग जरूर बताना। टेक केयर एंड बाय बाय।